इस दिवाली मोहन थाल बनाएंगे कि नहीं, परफेक्ट नाप से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार। एक बार इस तरीके से मोहन थाल बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा और सोचेंगे क्यों ना एक बार ये बना ले। तो इस दिवाली पे इस तरीके से परफेक्ट माप से मोहन थाल बनाइए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो मैंने ये मार्केट से 500 ग्राम बेसन लिया है, ये पूरा आधा किलो ही बेसन है। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें गाँठे ना रहे। ये देखिए अच्छे से इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये है आधा कप दूध, थोड़ा सा गुनगुना है, इसे भी हल्का इस तरीके से अच्छे से थोड़ा थोड़ा दे के छीटा है, अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अगर बिगड़ भी जाएगा आपका मोहन थाल, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब इसमें मैंने आधा कप देसी घी डाला है। अब इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही शानदार बनता है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट मोहन थाल। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक थाली में इस तरीके से आपके पास छन्नी है तो थोड़ा थोड़ा करके इसे आप छान लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट मोहन थाल बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे बेसन को इस तरीके से छन्नी में छान लिया है और थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अच्छे से ये छन गया है इस तरीके से। अगर आपके पास छन्नी नहीं तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे बेसन को छान लिया है और एक कढ़ाई में मैंने आधा कप घी लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मैं बेसन ऐड कर दे रही हूँ और इसे कंटिन्यू धीमी आँच पर ही चलाते जाना है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीमी आंच पे चलाएंगे तो बेसन कच्चा नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। ये जितने ही धीमी आंच में सिकेगा इतना ही स्वादिष्ट मोहन थाल दानेदार बनके आपका तैयार बनेगा। तो ये देखिए इसको धीमी आंच पे ही इस तरीके से सेक लेना है। ये थोड़ा थोड़ा बेसन में से घी निकल रहा है। आप चाहें अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं। आप फ्रेश मलाई इसमें मैं 3 चम्मच डाली हूँ। इससे क्या है मोहन थाल बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस दिवाली पे मेहमानों के लिए या भगवान के भोग के लिए आप इस तरीके से मोहन थाल जरूर बनाइएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने चला लिया है 10 से 15 मिनट। आप एक थाली में इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं और चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो ये 1.5 कप मैंने चीनी लिया है और 1/3 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से इसे मिला लेना है। एक तार दो तार नहीं करना है, बस इसे थोड़ा गाढ़ी रहे आप हाथों से चेक कर लीजिएगा। अब इसमें मैं मोहन थाल बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से आप डालेंगे तो पतला थोड़ा लगेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। जैसे जैसे ये चलाते जाएंगे धीमी आंच पे, वैसे वैसे ये बेसन गाढ़ा होते जाएगा और अच्छे से ये मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा ये ठीक होते जा रहा है इस तरीके से। तो ये अच्छे से ये मैंने इसे मिला लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये मिल गया अच्छे से। अब इसे एक थाली में मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे इस तरीके से सारे मोहन थाल को इसमें पलट लेते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। थोड़ा गर्म ही रहेगा तो अच्छा रहेगा फैलाने में इस तरीके से। तो ये देखिए अब इसे चम्मच से या आप चाहें तो कटोरी से इस तरीके से अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए अच्छे से इसे मैंने स्प्रेड कर लिया है इस तरीके से और ऊपर से मैं थोड़ा सा कटा बादाम और पिस्ता इस तरीके से कर दे ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में बहुत ही अच्छा लगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर आप इस तरीके से मोहन थाल बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट माप से तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर बिगड़ भी जाएगा तो लेकिन स्वाद बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब इसे अच्छे से मैंने बादाम पिस्ता स्प्रेड कर लिया, थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से कर लिया और 2 घंटा ऐसे ही रख दिया ठंडा होने के लिए। हल्का सा ये गर्म है तभी मैं इसे कट कर लेती हूँ बर्फ़ी के आकार का। आप कोई भी आकार का कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बर्फ़ी के आकार का कट कर लिया है। अब बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बना है मोहन थाल, सच में एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल दानेदार और बहुत ही टेस्टी।
तो ये देखिए आपका मोहन थाल बनके तैयार हो गया। तो इस दिवाली पे आप जरूर से जरूर ये रेसिपी एक बार ट्राई करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल।